नमस्कार जी, मैं परवीन अलावत, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर भी है, और पहले उपेंद्र सिंह कादयान के प्रोग्राम की आपको बताता हूं, जो इनका मतलब इतना बड़ा जो ऑफिस है, ये अक्सर बोलते थे कि ऑफिसों में इतनी जनता आएगी, मतलब इनकी रैलियों में, कि तिल डालने की जगह नहीं होगी, वो बिल्कुल सच निकला। और हरियाणा प्रदेश में अगर दुष्यंत सिंह चौटाला ने सबसे पहले अगर किसी साथी की टिकट पक्की करके गए हैं, तो वो उपेंद्र सिंह कादयान की टिकट पक्की करके गए हैं। साफ साफ बोल दिया है, ये युवा साथी है आपके बीच में उतारने जा रहे हैं। आप क्या समझते हो, उपेंद्र कादयान से पूछ लेते हैं। उपेंद्र जी, पहले आप ऐसे साथी हो जो दुष्यंत सिंह चौटाला ने मन से ये घोषणा करके चले गए कि जी आप चुनाव लड़ेंगे। श्रीमान जी, मैं तो अपनी तरफ से एक ही बात कह सकता हूं, मैं पार्टी का पक्का सिपाही हूं। पार्टी ने जब जब जो आदेश अपने समझ करके उपेंद्र कादयान को दिया है, ना केवल उसको निभाया है बल्कि उसको सवाया करने का काम किया है। जिला परिषद के चुनाव में लगातार दो बार जीतने के बाद दोनों बार विपक्ष में जीता, दोनों बार सरकारों ने दबाव बनाया, कोई चेयरमैन का लोभ दिया तो किसी ने पैसों का लोभ दिया, लेकिन उपेंद्र कादयान तस से मस नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी का दामन आज से लगभग 15 से 16 वर्ष पहले थामा था, और आज तक थामे हुआ हूँ और अजय सिंह के साथ रहूँगा। अगर इन्होंने मुझ पर आश्वास और विश्वास जताया है, तो इस हलके की टिकट को निकाल करके दुष्यंत जी की जोड़ी में ठीक उसी प्रकार से डाल देंगे जैसे पार्षदी की दोनों बार जीत उनकी जोड़ी में डाली है। भारी जनता यहाँ पे आई है जी, हम अपने कैमरे से भी लोगों को दिखाएंगे, वो क्या ये वोट भी तब्दील होगा या नहीं होगा? श्रीमान जी, ये वो जनता थी जिनको ना तो मैंने कोई गाड़ी दे रखी थी, अपने ट्रैक्टरों में और अपनी गाड़ियां लेकर के मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ साथी आए थे। मैं आज आपके बीच में कहता हूं कि एक नया पैसा मेरी जेब से नहीं लगा। जो ये आसमाना दिख रहा है आपको तंगा हुआ, इसके तो जरूर मैं पैसे दूंगा, लेकिन जो साथी यहाँ पहुँचा उस साथी ने कोई एक पैसा मेरे से ये नहीं कहा कि मैंने गाड़ियों का पैसा दे दो या किसी और अन्य चीज़ का मेरे से खर्च किया हो। जब इतनी उनकी मेरे साथ अपनी आत्मा मिली हुई है, एक दिल मिला हुआ है, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि टिकट तो हम जीतते ही जीतेंगे अगर तो हमें टिकट मिला तो। जो आज जिस प्रकार से युवा का नाम लेके गए हैं, हम तो दुष्यंत जी को आश्वस्त करते हैं कि कम से कम 20,000 से ज़्यादा की जीत हम अपने बेरी हल्का से चाबी को जिता करके और भेजने का। तो कम से कम बोल दीजिए कि उपेंद्र कादयान की टिकट पक्की करके गए हैं, अब भी सस्पेंस क्यों? अगर कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पक्की मान रहा हूँ। जब आज दुष्यंत चौटाला जी ने इतना आशीर्वाद दिया है, तो मैंने अपना मेहनत की है, आगे मेहनत करूंगा। अगर वो टिकट देंगे तो पूर्ण रूप से लड़ूंगा। ये आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि आपको चुनाव लड़ने की कह गए हैं, समय भी मिल जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, समय की जो बात है, मैं लगातार पिछले कई वर्षों से लगा हुआ हूँ, मेरा दिनों रात लगभग एक जैसा शेड्यूल है, लेकिन चुनावी जब माहौल होता है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी मजबूती और मौजूदगी ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके लिए हम पिछले एक से दो महीने तक लगातार डोर टू डोर जा करके जनता के आगे अलग जगा रहे हैं, और जननायक जनता पार्टी और चाबी के निशान के लिए समर्थन मांग रहे हैं। बसपा के साथ गठबंधन टूट गया, क्या इससे उपेंद्र कादयान की तैयारियों पर कुछ फर्क पड़ेगा या एक्स्ट्रा एफर्ट है अब लगाने पड़ेंगे? ये उपेंद्र कादयान के लिए कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, हम तो चाबी के निशान के साथ थे, चाबी हमारे साथ है, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने उन भाई का जब जब हमारे साथ वो रहे, हमने उनका पूरा मान सम्मान किया, और आगे भी कभी हमारे साथ आएंगे तो उनका मान सम्मान होगा। मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करता। जिस प्रकार से पिछले दो वर्षों के अंतराल में 3-4 बार उन्होंने गठबंधन किया और तोड़ा है, उसकी बात तो वही जाने, हम तो तोड़ने वाले नहीं, हम तो जोड़ने वालों में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। ये थे उपेंद्र कादयान, और उपेंद्र कादयान भी काफ़ी आश्वस्त दिखाई दिए कि दुष्यंत सिंह चौटाला ने जिस तरह से उन पर भरोसा जताया है, और पूरी तरह से उन्होंने आश्वस्त किया कि जो जननायक जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है इन विधानसभा चुनाव में लड़ने की, वो पार्टी को, दुष्यंत सिंह चौटाला को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो पूरा उन पर खरा उतरेंगे, और बेरी से जननायक जनता पार्टी की झोली में उपेंद्र सिंह कादयान ये टिकट डालने का पूरी तरह से है, अपनी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।